नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि हो गया होगा कि और गिरोगे। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मुसलमानों को देश से भगाने के लिए CNRC लाए, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। अब लेके आए हैं छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े के ऊपर से राजनीति। सोचिए, एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहने वाला भारतीय जनता पार्टी गटर से भी नीचे जाके गिर जाएगा, उसकी वैचारिक इस तरह से पतन होना है, देखकर दुख होता है। और उनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं आप? जो पार्टी केवल गंदगी ही बांटेगी, उससे आप क्या यकीन करोगे, क्या अपेक्षा करोगे कि वो समाज के लिए बेहतर कर पाएगी? कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहते हुए वहाँ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों पर हिजाब जो है उसकी पाबंदी का कानून लाने की कोशिश की जा रही है, हिजाब को बैन करने की कोशिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता दिखाती है, वो देखकर तरस आता है कि पार्टी अब बच्चियों के हिजाब के पीछे राजनीति कर रही है। न केवल मुस्लिम महिला का, हर महिला का ये अधिकार है कि वो अपना शरीर किससे ढकेगी या उसे खुला रखेगी, उसका ये व्यक्तिगत निर्णय होगा। कोई सरकार, कोई नेता ये तय नहीं करेगा कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं कितना कपड़ा पहनेगी और कौन सा कपड़ा पहनेगी। ये उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर एक तरह से चोट है। और जितने भी लोग देख रहा हूँ वहाँ पे, बहुत सारे संगठन और दलदल जो है ना, वो एक्टिव हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़कियाँ हिजाब पहन के आएंगे तो हम भी भगवा गमछा और भगवा नकाब पहन के आएंगे। तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि आप तमाम जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू लड़के हैं, उनको बोलिए पूरा भगवा एकदम पहन ले, साधु बन जाए, मुंह वो एकदम तोप ताप के स्कूल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर किसी भी मुस्लिम बच्ची का, महिला का अगर हिजाब या फिर नकाब पे अगर सवाल उठेगा, तो एक देश के नागरिक होने के नाते विनय दुबे उसका विरोध करेगा। और मेरा विरोध करना आप जानते हैं, मैं ना फाड़ के रखता हूँ, चाहे जो आप समझ लीजिए। लेकिन इस देश की बच्चियां जो चाहती हैं कि उनका चेहरा, उनका शरीर ढका रहे, एक धर्म के हिसाब से उनकी आस्था है, एक व्यक्तिगत आज़ादी पर उनका निर्णय है, तो वो कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि यह उस बच्चियों का व्यक्तिगत निर्णय है। और अगर सरकारों को लगता है कि वो ऐसी पाबंदी लाकर देश में एक उदाहरण, एक नई नफरत की गंदगी फैलाएगा, तो उनको खुला चैलेंज देता हूँ, तुम अपना चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ लो, चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूँ तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं। और जो लोग भूल चुके हैं उनसे कहना चाहूँगा कि मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन घटना वो भूले नहीं। मैं वही विनय दुबे हूँ और आज भी उससे ज़्यादा सक्षम और आक्रामक। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।